रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। नीरू, रिचा, मीनू और डोर्थी पार्क में खेल रहे थे। कुछ बड़े बुजुर्ग भी पार्क में बैठे सर्दी की धूप का मजा ले रहे थे। खेल खेल में नीरू जमीन पर गिर पड़ी। उसने डोर्थी की ओर हाथ बढ़ाया और उससे उठाने के लिए कहा। डोर्थी मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती, तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी है, मेरे सुंदर हाथ गंदे हो जाएंगे। रिचा यह सुनकर तपाक से बोली, तुम्हारे हाथ सुंदर हैं, सुंदर तो मेरे हाथ हैं। देखो कितने गोरे हैं मेरे हाथ। तब तक मीनू वहाँ आ गई थी। उसने नीरू का हाथ थामा और उसे उठा लिया। नीरू ने मीनू को धन्यवाद दिया और फिर सारे बच्चे खेलने लग गए। खेलते खेलते मीनू की नजर हाथ में छड़ी लिए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति देख नहीं सकता था। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ियों का शोर सुनकर बार बार पीछे हट जाता था। मीनू तेजी से पार्क से निकली और उस व्यक्ति के पास पहुंची। बाकी बच्चियां मीनू को देखने लगीं। मीनू ने उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया। उसके बाद उसने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा और दोबारा दाएं देखा। फिर मीनू ने उन्हें सड़क पार करवाई। पार्क में डोर्थी के दादाजी भी बैठे हुए थे। वे इन बच्चों की नोक झोंक देख सुन रहे थे। दादाजी उठकर बच्चों के पास गए और बोले, तुम सब इतनी देर से अपने अपने हाथों को सबसे सुंदर बता रहे थे ना, पर तुम सब में मीनू के हाथ हैं सबसे सुंदर, सबसे अच्छे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़ें और उन्हें सहारा दें, वही तो होते हैं सबसे सुंदर हाथ। तो हुए ना मीनू के हाथ सबसे सुंदर। तब तक मीनू भी वापस आ गई थी। सभी बच्चियां मीनू की ओर देखकर तालियां बजाने लगीं और गाने लगीं। सबसे सुंदर मीनू के हाथ, सबसे अच्छे मीनू के हाथ, सुंदर हाथ मदद के हाथ, सबसे अच्छे मदद के हाथ।